हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स रिलेटेड ढेर सारी बातें। तो दोस्तों, भारतीय कॉमिक जगत का अपना एक विस्तृत इतिहास रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि 90s कॉमिक जगत का एक स्वर्णिम समय रहा है। इस समय में कई सारी छोटी और बड़ी कॉमिक्स पब्लिकेशन हमें मार्केट में नज़र आई थी, लेकिन सन 2000 के आते आते काफ़ी सारी पब्लिकेशन या तो बंद हो गई या फिर उनकी सक्रियता ना के बराबर रह गई। कुछ गिनी चुनी पब्लिकेशन आज भी मार्केट में 80s 90s के समय से मार्केट में आज भी नज़र आती हैं। आज हम जिस पब्लिकेशन की बात करेंगे, उन्होंने 80s 90s से हमारा मनोरंजन अलग अलग विधाओं के जरिए किया है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डायमंड कॉमिक्स की। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या अगर पुराने भी हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो और ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स की शुरुआत 1978 में श्री गुलशन राय जी के द्वारा हुई थी। डायमंड कॉमिक्स में हमें चाचा चौधरी जैसा एवरग्रीन आइकॉनिक कैरेक्टर मिला है, जो कि आज भी हमें ऐसे ही लगते हैं जैसे 90s के टाइम पर लगते थे। मेरे कहने का मतलब यही है कि आज भी उनकी कॉमिक्स से लेकर एनिमेशन में फ्रेशनेस नज़र आती है। बतौर कॉमिक्स पब्लिकेशन, शायद डायमंड कॉमिक्स ही वह पहली पब्लिकेशन है जिन्होंने कॉमिक्स के साथ ही ऑडियो वीडियो कैसेट, धारावाहिक, टीवी शो, इसके साथ ही मर्चेंडाइजिंग में भी अपनी जगह सबसे पहले सुनिश्चित की थी। डायमंड कॉमिक्स में भारतीय किरदार के इशू जहां हिंदी के अलावा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित हुए, और साथ ही कई विदेशी किरदारों की कॉमिक्स भी भारतीय भाषाओं में मिलती रही हैं। डायमंड कॉमिक्स के किरदारों की बात करें तो जहाँ इसमें चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, श्रीमती जी, सोनी संपत और रमन जैसे आम जीवन के किरदार दिखे हैं, वहीं ताऊ जी, महाबलिशा का, अग्निपुत्र अभय जैसे फैंटेसी किरदार भी मिले हैं। हास्य किरदारों में मोटू पतलू, अंडे राम डंडे राम, मंगलू मदारी, बंदर बिहारी ने हमारा मनोरंजन किया है। वहीं डायनामाइट दाबू जैसे फुल एक्शन एंटरटेनमेंट किरदार भी हमें रोमांचित किया है। लंबू मोटू, राजन इकबाल, जासूस चक्रम जैसे जासूसी किरदारों के क्या कहने थे। वहीं दूसरी तरफ फौलादी सिंह जैसा एक स्पेस एडवेंचर सुपर हीरो भी हमें यहीं से मिला था। इन सब के अलावा 3D कॉमिक्स भी हमें मिली, जिनकी स्टोरीज इस भ्रम को तोड़ती थी कि कॉमिक्स सिर्फ बच्चों की चीज़ होती है। जैसा कि हमने बताया कि डायमंड कॉमिक्स मर्चेंडाइजिंग के भी क्षेत्र में सक्रिय रही थी। उन्होंने तो कुछ प्रोडक्ट आधारित कॉमिक्स से भी निकाली थी, जैसी रसना जिनी, कपिल देव, पृथ्वी के रक्षक, एक्शन ग्रहवासी, बिग बबल, चिल्ड्रन टीवी सीरीज पर आधारित कॉमिक्स से भी इनमें ही प्रकाशित हुई थी, कैप्टन व्योम, जूनियर जी और भारत का पहला प्रसिद्ध टीवी सुपर हीरो शक्तिमान भी हमें डायमंड कॉमिक्स में दिखाई दिया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि डायमंड कॉमिक्स ने क्या कुछ नहीं किया हमारे मनोरंजन के लिए। उस समय भी उन्होंने कॉमिक्स के कुछ किरदारों पर ऑडियो और वीडियो कैसेट भी निकाली थी। आज हम यूट्यूब पर एक एनिमेशन क्लिप देखकर पागल हो उठते हैं। डायमंड कॉमिक्स में 90s में ही चाचा चौधरी पर एक लाइव एक्शन टीवी शो क्रिएट कर दिया था। डायमंड कॉमिक्स के एक किरदार रमन की कॉमिक्स हम एक हैं को प्रधानमंत्री की तरफ से सामाजिक सौहार्दता बढ़ाने के लिए भी पुरस्कार मिला था। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय कॉमिक जगत में डायमंड कॉमिक्स अपनी एक अलग ही पहचान बनाकर आज भी निरंतर हमारा मनोरंजन कर रहा है। हमारी सुपर हीरो ओरिजिन सीरीज में आगे हम डायमंड कॉमिक्स के फेमस कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने अगर हमारा डायमंड कॉमिक्स भारतीय कॉमिक्स एक परिचय वाला वीडियो नहीं देखा हो तो उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये जैसा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके, और साथ ही हमें अगले वीडियो के लिए अपने सजेशन और सपोर्ट बनाए रखें। हम ऐसे ही सुपर हीरोज़ और कॉमिक्स रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आपको सुपर हीरोज़ और कॉमिक्स से जुड़ी हम वीडियो देते रहेंगे। चैनल पर अगर आप से नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और साथ ही हमारे साथ फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी जुड़ जाएं। इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।